नमस्कार कक्षा 11 जीव विज्ञान के लिए आज हम आपके सामने सेल ऑर्गेनेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक ऑर्गेनेल्स लेकर के उपस्थित हैं। हिंदी में इसे अंतः प्रद्रव्यी जलिका कहते हैं। एंडो मतलब अंतः, प्लाज्मिक मतलब प्रद्रव्यी और रेटिकुलम मतलब जाल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज जो है पोर्टर ने किया था, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसकी संरचना अगर देखें तो उलझे हुए धागे की तरह कोशिका में ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। खास बात यह है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनी हुई होती है। ये यूनिट मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होती है और एक जाल सदृश रचना में न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़े रहती है। दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। पहला स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं और समूह रूप में भी पाए जाते हैं। तो जिन पर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और जिन पर राइबोसोम चिपके हुए नहीं होते हैं उन्हें हम स्मूथ यानी चिकनी सतह वाले राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फिर से देखिए, एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर आल्सो फॉर्म्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द पोर्टर इन्वेंटेड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका यानी जंतु और वनस्पति दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये एक चैनल के आकार की रचना में, जाल के आकार की रचना में कोशिका द्रव्य में विलंबित होते हैं। विभिन्न अंगों को जो है ये साझे रहते हैं या स्थिर बनाए रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये कोशिका द्रव्य और कोशिका कला और जीव केंद्रक कला के बीच एक चैनल का काम करते हैं। परत दर परत इनमें सिस्टर भी पाई जाती हैं, कुछ वेसिकल भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से इनकी संरचना देख सकते हैं। अगर हम कार्य की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो स्मूथ यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण के काम में जो उपयोगी होते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं एक तो ग्लाइकोजन के संश्लेषण में काम आते हैं और दूसरे कोशिका झिल्ली यानी कि कोशिका कला से और केंद्रक कला को जोड़े रहते हैं और विभिन्न पदार्थों के आवागमन के रूप में चैनल प्रदान करते हैं, रास्ता प्रदान करते हैं। तीसरी बात यह है कि कोशिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कंकाल तंत्र का काम करता है। कंकाल तंत्र का मतलब विभिन्न कोशिकांगों को जाल में स्थिर बनाए रखता है, इसलिए इसे कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम एक एक करके लगभग कोशिकांगों का वर्णन हम करते जा रहे हैं। आप उसको अध्ययन कीजिए और अगर ना समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें भेज सकते हैं, उसमें हम सुधार करेंगे। धन्यवाद।